मैं भाग्यश्री, बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक माह से 25 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली मुंबई में 819 रुपए होंगे चुकाने। और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, शुरुआती कारोबार में 29 पैसे गिरा। एलपीजी की कीमतों ने पिछले एक महीने में कीमत में चौथी बार पहली मार्च को ही बड़ा झटका दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ गई है। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया है। अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 794 रुपए से बढ़कर 819 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 835 रुपए मिलेगा। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 664 रुपए हुए थे। इसके बाद 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए बढ़ाए गए और सिलेंडर 694 रुपए हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत बढ़कर 719 रुपए हो गई है। 15 फरवरी को 769 रुपए हुई और 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई। अब यह 819 रुपए पर पहुंच गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 90.50 रुपए का उछाल आया है। अब दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1614 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 1523.50 रुपए प्रति सिलेंडर थी। उसी तरह मुंबई का रेट अब 1563.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। कोलकाता में यह कीमत 1681.50 रुपए और चेन्नई का रेट 1730.5 रुपए हो गया है। यदि आप सोना खरीदने का मन बना रहे तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, 2021 में सोने की कीमत में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। बाजार के जानकारों की माने तो यदि आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सोने में निवेश करने का यह सही वक्त है। आज एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल वायदा 300 रुपए की मजबूती के साथ 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर खुला है। चांदी में भी 800 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा की गई है। एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल वायदा आज 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ खुला। फिलहाल ये 40,040 रुपए पर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को सोना हालांकि अच्छी बढ़त पर कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी घंटों में आई बिकवाली के चलते सोना 40,000 रुपए के नीचे 45,736 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। बीते हफ्ते सोमवार को एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल वायदा 46,901 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को ये 45,736 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, यानी 1,165 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सस्ता हुआ। शुक्रवार को एमसीएक्स सोना 45,611 रुपए के लेवल तक भी पिछला था। 1 फरवरी को बजट के दिन एमसीएक्स पर चांदी का मार्च वायदा 74,400 रुपए के ऊपर चला गया था। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 79,980 रुपए प्रति किलो है। इस हिसाब से चांदी भी अपने उच्चतम स्तर से करीब 11,900 रुपए सस्ती है। आज चांदी का मार्च वायदा 68,066 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और कम से कम ब्याज दरों पर लोन दिलाने के इरादे से मोदी सरकार ने पिछले साल 29 फरवरी को केसीसी सैचुरेशन ड्राइव यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल प्रोग्राम की सुविधा शुरू की थी। किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन ड्राइव सुविधा का एक साल पूरा होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर आंकड़े जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर के जरिए बताया कि केसीसी सैचुरेशन ड्राइव के जरिए पिछले एक साल में 1,82,00,000 से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जा चुका है और 1,73,00,000 रुपए की कुल क्रेडिट लिमिट किसानों को दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाना अब पहले के मुकाबले और ज्यादा आसान हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में आवेदक किसान को ये कार्ड मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया गया है कि अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों की संख्या में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे भी सरल प्रक्रिया बड़ी वजह मानी जा रही है। सरल प्रक्रिया के अलावा किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए बेहद सस्ता लोन भी मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से जोड़ दिया गया है। इससे उन किसानों को फायदा मिलता है जो पहले से किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पंजीकृत है। इसके तहत लिए गए लोन पर 7% सालाना की दर से ब्याज लगता है। अगर किसान लोन को समय पर चुका देता है तो उसे 3% की छूट भी मिलती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेता है तो उसे 1,00,000 रुपए पर एक साल के लिए 7,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ता है। अगर किसान समय से कर्ज लौटा देता है तो उसे 3,000 रुपए की छूट मिलती है। इसके अलावा पशुपालक किसानों और मछुआरों को भी अब किसान क्रेडिट की सुविधा मिलती है। इसके जरिए 3,00,000 रुपए तक के लोन पर सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है और 1.6 लाख तक के लोन के लिए अब किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत से हो रही परेशानी के बीच कोयले पर लगाए जाने वाले कर और उपकर को आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि कोयले पर लगे भिन्न भिन्न प्रकार के कर का असर सीधे उपभोक्ता के बिजली के मासिक बिल पर पड़ता है। कोयले के उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक कई तरह के कर और उपकर लगाए जाते हैं जो कि अंत में बनने वाली बिजली की कीमत पर सीधा असर डालते हैं। अभी देश में बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी करीब 55% है और देश भर में थर्मल पावर जनरेशन के लिए ये एक प्राथमिक सामग्री है। कोयला नियंत्रक कार्यालय और CA पावर कंज्यूमर द्वारा दी गई जानकारी में यह बात सामने आई है। कोयला बिजली उत्पादन के लिए एक प्राथमिक सामग्री होने के बावजूद GST की आती है, लेकिन बिजली जो कि कोयले का एक अंतिम उत्पाद वह GST में नहीं है। चूंकि कोयला उत्पादक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, वे बिजली की लागत में कर को जोड़ते हैं जिससे उपभोक्ता पर अधिक बोझ पड़ता है। बिजली उत्पादन पर लगाए जाने वाले कई तरह के कर की वजह से आम उपभोक्ता को प्रति वर्ष करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ता है। कोयले के G11 ग्रेड के लिए मूल कीमत बिजली उत्पादन के लिए सबसे आम SCL द्वारा उत्पादित 995 रुपए प्रति टन है, लेकिन कर लेवी और विविध शुल्कों के कारण जनरेटर के लिए अंतिम पूर्व मूल्य लगभग दोगुना बढ़कर 1,849 रुपए प्रति टन हो गया है। कोयला वर्तमान में मूल मूल्य पर 14% रॉयल्टी, 5% GST, 400 रुपए प्रति टन GST क्षतिपूर्ण उपकर, राष्ट्रीय खनन अन्वेषण कर 2% रॉयल्टी पर लगता है और जिला खनिज फाउंडेशन 30% रॉयल्टी पर शुल्क वसूलता है। इसके बाद 23 रुपए प्रति टन के पर्यावरण और विकास उपकर लेवी है तथा सीमा कर टर्मिनल कर 2 रुपए प्रति टन है। इसके साथ ही परिवहन और कोयला निकासी आदि के लिए भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है जो कि 121 रुपए से 177 रुपए प्रति टन के बीच है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और विदेशी मुद्रा की निकासी से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को कारोबार की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे की गिरावट के साथ 73.76 रुपए प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। पिछले हफ्ते रुपया 92 पैसे टूटा था और मार्च महीने के पहले हफ्ते के पहले दिन भी रुपए में गिरावट जारी रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में कारोबार की शुरुआत में घरेलू मुद्रा 73.76 रुपए प्रति डॉलर पर खुली। यह स्तर इसके पिछले बंद भाव के मुकाबले 29 पैसे नीचे रहा। गत सप्ताहांत शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 73.47 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की ताकत को आंकने वाला डॉलर इंडेक्स 0.03% गिरकर 90.84 अंक पर रहा। रिलायंस सिक्योरिटीज ने अपने एक शोध पत्र में कहा है कि अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से काफी हद तक रुपए की गिरावट को थामने में मदद मिल सकती है, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर निकासी का धारणा पर असर पड़ सकता है। नोट में कहा गया है कि ज्यादातर एशियाई मुद्राओं में सोमवार को मजबूती का रुख रहा, इससे भी धारणा में सुधार आ सकता है। इस बीच ब्रेंट कच्चे तेल का वादा भाव वैश्विक बाजार में 1.51% बढ़कर $65.39 प्रति बैरल पर बोला गया। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। एक माह से 25 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर, दिल्ली मुंबई में 819 रुपए होंगे चुकाने। और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, शुरुआती कारोबार में 29 पैसे गिरा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।